हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम एसीडी वर्चुअल क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट पोएम, दैट इज योर अमंडा। अमंडा बच्चों एक लड़की है। जैसे आप लोग हैं घर में, आपके जो है पेरेंट्स क्या बोलते हैं या एल्डर्स क्या बोलते हैं या मदर क्या करती है, हमेशा आपको टोकती रहती है ना, नाक करती रहती है, डोंट डू दिस वर्क, डोंट बाइट योर नेल्स बोलती है ना, सिट प्रॉपरली, या इधर मत जाना उधर मत जाना। तो ये क्या है, आपको हो सकता है वो अच्छी बातें सिखा रही हैं, मे बी आपको अच्छा नहीं लगता है। कई बार बच्चे क्या होते हैं, इरिटेट हो जाते हैं कि मम्मी लगातार बोल रही है डोंट बाइट योर टी, डोंट बाइट योर नीज, सिट प्रॉपरली, इधर मत जाओ, लिसन टू मी केयरफुली। तो कई बार क्या लगता है उनका तरीका जो है मे बी गलत हो सकता है, बट जो वो कह रही है हो सकता है, क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं। तो हम क्योंकि अगर आप चार लोगों के बीच में बैठे हैं और आप नेल्स बाइट कर रहे हैं तो मे भी जो है कई लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। तो हो सकता है उनका तरीका गलत है, पेरेंट्स का आपको बताने का तरीका गलत हो सकता है, बट वो आपको जो है एक सोसाइटी के बीच में अगर आप स्टैंड करते हैं, खड़े होते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर क्या होगा, अभी तो आप बच्चे हैं बट धीरे धीरे जब आप बड़े होंगे तो आपको पता चलेगा, रियलाइज करेंगे कि मदर जो है हमें क्यों नेग करती थी और हमें बुरा लगता था। तो यहाँ पे अमंडा एक लड़की है जिसको उसकी माँ, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि मदर बोल रही है या कोई एल्डर ऑफ द फैमिली बोल रहा है उसे, बट ऐसा लगता है मे बी उसकी मदर जो है उसको बोलती है कि डोंट बाइट योर नेल्स, डोंट ईट मोर चॉकलेट। तो क्यों बोलती है, और इससे जो है वो एक अपने वर्ल्ड में चली जाती है। और क्यों चली जाती है, क्योंकि वो ध्यान नहीं देती कि मम्मी क्या कह रही है। बाद में हो सकता है कि आप लोग भी जैसे टोकते रहते हैं तो रियलाइज करेंगे कि मदर क्यों टोकती है आपको, या मदर गुड हैबिट्स क्यों सिखा रही है आपको। जैसे अभी मैंने बताया, हो सकता है उनका तरीका गलत हो सकता है, क्लियर। तो आप लोग जो है समझने की कोशिश करें, पेरेंट्स भी ये समझने की कोशिश करें कि हमें जो है अपने जो है वे ऑफ टॉकिंग जो है या बताने का जो तरीका है उसको चेंज करें, जिससे कि जो है बच्चे इरिटेट ना हो, अपने वर्ल्ड में ना जाए, क्लियर। तो इसी को यहाँ पे बताया गया है कि अमंडा एक लड़की है और किस तरह से उसके मदर जो है उसको हमेशा नेग करती हैं, क्लियर। अब पहले हम जो है पोएट का नाम, पोएट के बारे में डिस्कस करते हैं। बोर्ड ऑफ पोएट कौन है हम इसकी पोएट, रॉबिन मैक मॉक क्लीन। तो सारे बच्चे जो है कोई भी जो हम पोम कहते हैं तो उसके पोएट का या पोइटर्स का नाम जो है आप जरूर लर्न करें, कि कई बार जो है कोई क्वेश्चन आता है तो कौन है बच्चों। दिस पोम इज रिटन बाय रॉबिन मैक मॉक क्लीन। कौन है, रॉबिन मैक मॉक क्लीन। कौन है, ऑस्ट्रेलियन है, ऑथर ऑफ बुक्स फॉर चिल्ड्रन, मोस्टली जो है ये चिल्ड्रन बच्चों के लिए लिखती है। शी राइट्स चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट फिक्शन। Some of her famous books are Hating Alison, Ashley, People Might Hear You, etc. Clear? तो यहाँ पे किसने लिखी है ये पोम, अमंडा रॉबिन मैक मॉक क्ले। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं उनकी, कौन है बच्चों, रॉबिन मैक मॉक क्लीन। तो कई जगह जो है शॉर्ट में भी लिखा रहता है यहाँ पे रॉबिन क्लीन, KLEIN, रॉबिन मैक मॉक क्लीन। कौन है ये, ऑस्ट्रेलियन है, पोइटस हैं, क्लियर। इंट्रोडक्शन टू द लेसन, रॉबिन क्लीन। तो जैसे मैंने बताया पूरा नहीं लिखते हैं, कई बार ही रॉबिन क्लीन लिखते हैं, तो आप जो है सेम है, पोइटस हैं, रॉबिन मैक मॉक क्लीन या रॉबिन क्लीन। Has expressed the views of a little girl. अब उन्होंने यहाँ पे क्या हमें बताने की कोशिश करी है कि क्या फील करते हैं एक यंग लड़की को, अगर आप बार बार जो है टोकेंगे तो कैसा वो फील करती है, उसको यहाँ पे एक्सप्रेस किया है। अमंडा हु इज कॉन्स्टेंटली, उसको जो है लगातार जो है उनकी, जैसे मैंने बताया यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करा है कि मदर को बोलती है, पॉइंटेड आउट करती है, या एल्डर ऑफ द फैमिली पॉइंटेड आउट करते हैं, बट ऐसा लगता है मे बी उसकी मदर जो है उसको पॉइंटेड आउट करती है, कॉन्स्टेंटली पॉइंटेड आउट बाई हर मदर फॉर मेकिंग मिस्टेक्स।
बच्चों को क्या करना चाहिए, बच्चों प्यार से समझाना चाहिए, अरे भाई ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ना कि उसको ऑलवेज जो है आप पॉइंटेड आउट करते रहे, भाई डोंट डू दिस वर्क, हमेशा जो है इसको स्कोल्ड करते रहे या पॉइंटेड आउट करते रहे फॉर देयर मिस्टेक, हिज और हर मिस्टेक। तो यहाँ पे लड़की की बात करें तो हमेशा जो है लड़कियों को भी बोलते हैं कि भाई आपको सोसाइटी में रहना है, उसके कुछ नॉर्म्स हैं, आपको जो है अगर आप जो है सीधे नहीं चलेंगी या सीधे जो है सिट प्रॉपरली ठीक से नहीं बैठेंगी तो मे भी जो है सोसाइटी में कुछ लोग जो है होता है ना कि पेरेंट्स जो है दे वर वरीड, पॉइंटेड आउट बाय हर मदर फॉर मेकिंग मिस्टेक्स, मिस्टेक्स विच शी कंसिडर सो दे आर नॉट पार्ट ऑफ द कोड ऑफ गुड कंडक्ट लेड आउट बाय द सोसाइटी, कि वो मे भी जो है कुछ कोड जो होते हैं सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं हो सकते हैं, दैट इज वाई दे ऑलवेज क्या रहते हैं वरी रहते हैं, किसके लिए, इसीलिए कि भाई लड़की है सोसाइटी में रहना है उन्होंने, और उसके अगर हम अगेंस्ट जाते हैं या हम कोई भी गलती करते हैं तो मे भी जो है उसको दैट इज वाई दे पॉइंटेड आउट, क्लियर। थीम ऑफ द पोम क्या है बच्चों, द थीम ऑफ पोम रॉबिन क्लीन्स पोम अमन झा इज चाइल्डहुड इनोसेंस, यहाँ पे एक बच्ची की बात करें तो बच्चे कैसे होते हैं बहुत इनोसेंट हो, एंड द चैलेंजेस ऑफ मेच्योरिंग, द पोम टेल्स द स्टोरी ऑफ ए लिटिल गर्ल नेम्ड अमंधा एज शी फेसेस द डिफिकल्टीज ऑफ ग्रोइंग अप। अब वो बच्चा बड़ा होता है तो कई चीजें जो है उसको फेस करनी पड़ती है, क्या फेस करनी पड़ती है कि उसकी मदर जो है उसको किस तरह से उनके एक्सपेक्टेशंस है अपने बच्चे से, कई बार होता है ना कि आपके भी पेरेंट्स की जो है एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है जिसको आप जो है मे भी जो है अभी क्योंकि आप तो बड़े हो रहे हैं बट पेरेंट्स ये नहीं समझते कि अभी से हम जो है उनको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि भाई ऐसा करो, अच्छे नंबर लाओ, पीछे मत रहना, सबसे आगे रहना, तो बच्चा अपने हिसाब से करता रहेगा, तो हो सकता है उनका जो है सही बोल रहे हैं बट जो वे ऑफ जो है बताने का तरीका है मे बी रॉन्ग। When her mother expects her to behave responsibly and she desires to escape from the duties of growing up, the poem emphasizes the battle to maintain the freedom and joy of childhood. क्योंकि बच्चे क्या चाहते हैं, उन्हें फ्रीडम चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। When adult duties start to take control, but parents क्या चाहते हैं कि कोई गलती ना करे, कोई मिस्टेक ना करे, स्पेशली मदर जो है उनको क्या करती है पॉइंट आउट करती है फॉर देयर मिस्टेक, गलतियों के लिए उनको पॉइंटेड आउट करती है, किसको, स्पेशली लड़कियों की बात कर रहे हैं, क्लियर। लेट्स सी इन द फर्स्ट स्टेंजा कि किस तरह से यहाँ पे पोएटस जो है क्या बताना चाह रही है और यहाँ पे अमंडा क्या सोचती है, वो अपने वर्ल्ड में चली जाती है, वर्ल्ड ऑफ अमंजा क्यों जाती है, क्योंकि उसकी मम्मी जो है बहुत ज्यादा उसको पॉइंटेड आउट करती है फॉर हर मिस्टेक्स, उसकी गलतियों के लिए, और जो उसे अच्छा नहीं लगता और वो अपने सपनों में चली जाती है, अपने वर्ल्ड में चली जाती है। अब इसी को हम जो है इस पोम के थ्रू पढ़ते हैं कि अमंडा की मम्मी जब उसको पॉइंटेड आउट करती है फॉर हर मिस्टेक तो वो क्या सोचती है, क्या बनना चाहती है, क्या करना चाहती है, लेट्स सी थ्रू दिस पोम। तो फर्स्ट स्टैंजा के अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टैंजा तो यहाँ पे पोइटस क्या बोलती हैं कि उनकी मदर क्या बोलती हैं अमंधा को, डोंट बाइट योर नेल्स अमंधा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमंधा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमंधा। तो यहाँ पे किस तरह से मैं पोम पढ़ रही हूँ बच्चों, तो आपको क्या लगता है कि मैं ऑर्डर कर रही हूँ, मैं कमांड कर रही हूँ लड़की के ऊपर, क्लियर। तो उसके तरीके से, उसके वर्ड्स बोलने के तरीके से आपको लग रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर करें। तो यहाँ पे भी जो है उसकी मदर जो है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे मदर स्पेसिफाई नहीं करा है बट हमें लगता है मे बी उसकी मदर जो है उसको पॉइंटेड आउट कर रही है या बता रही है उसको, डोंट बाइट योर नेल समंधा, डोंट हंच योर शोल्डर समंधा, स्टॉप दैट स्लोचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। लेट्स सी, अभी पहले हम जो है इसके मीनिंग देखते हैं, हंच का मतलब क्या होता है, बेंट। कई बार होते हैं ना हमारा पॉस्चर जो है गलत होता है, हम झुक के बैठ जाते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने यही बोला है कि बेंट होके मत बैठो, कैसे बैठो, सीधे बैठो,
डोंट हंच योर शोल्डर्स, हम कई बार होता है ना कंधों को क्या कहते हैं झुका के जो है बैठ जाते हैं, तो उनकी मदर उनको सिखा रही है ही के से डोंट हंच योर शोल्डर्स। नेक्स्ट है स्लाउचिंग। स्लाउचिंग का मतलब क्या होता है, सिटिंग इन अ लेजी वे। कई बार होता है ना हम थोड़ा आलस करते हैं और ऐसे जो है लेट जाते हैं, उसको बोलते हैं स्लाउचिंग। क्लियर? तो यहाँ पे तीन चीजों के लिए उन्होंने उसको टोका है, किस किस के लिए, डोंट बाइट योर नेल्स, ये अपने नाखूनों को मत चबाओ। अब आप में से कितने बच्चे हैं जो अपने नेल्स को बाइट करते हैं, होंगे कई बच्चे। तो बच्चों अच्छा लगता है कि मैं पढ़ा रही हूँ या आप लोग जो है नेल बाइट कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ या मैं पढ़ाते समय या काम करते समय नेल बाइट करूंगी तो क्या अच्छा लगेगा बच्चों, नहीं लगेगा। इसीलिए उसकी मदर जो है अमंडा को टोकती है कि डोंट बाइट योर नेल्स, कि अपने नेल्स को बाइट मत करो, चबाओ मत। अमंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स, कि अपने कंधों को झुकाओ मत। कौन बोलती है, उनकी मदर बोलती है डोंट हंच योर शोल्डर्स अमंडा। तो मदर और किसको पॉइंटेड आउट कर रही है, किसकी गलतियों को पॉइंटेड आउट कर रही है, अमंडा की। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, कि कई बार होता है ना हम सोफे में बैठे हैं या चेयर में बैठे हैं बिल्कुल आराम से बैठ जाते हैं, तो उनकी मदर कह रही है कि भाई सीधे बैठो, क्योंकि अगर चार लोग बच्चों अचानक कोई घर में आ जाए और आप जो है वहां पे लेटे हुए हैं तो अच्छा लगता है बच्चों, नहीं लगता है। तो उनको जो है अच्छी गुड हैबिट्स सिखा रही है, ठीक है ऐसे स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, सीधे बैठो अमन। पर अमंडा क्या है बच्चों, अपने ही दुनिया में खो गई है। अब अपनी दुनिया में खो गई हैं और क्या सोचती हैं, लेट्स सी। ये तो यहाँ पे बच्चों ये क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है, इसमें क्या दिया है कि ये क्या है आपका वर्ल्ड ऑफ अमंधा। वर्ल्ड ऑफ अमंडा क्यों बोला है, क्योंकि वो अपनी दुनिया में खो गई है। कि देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी अ मर्मेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अब वो क्या कहती हैं, ध्यान से देखो बच्चों, सुने और लैंग्वेज मीन्स रिलैक्स्ड, क्लियर। एमरल्ड मीन्स ग्रीन कलर, एमरल्ड एक कलर है, एमेरोल्ड एक स्टोन होता है उसका जो है प्रीशियस, उसका जो है कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, उसी को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। इनहैबिटेंट मीन्स रेसिडेंट, ड्रिफ्टिंग मीन्स कैरीड स्लोली बाय द वाटर, स्विंग करना मतलब तैरना, ब्लिसफुली हैप्पी। तो यहाँ पे क्या बोल रही है अमंडा, जब उसकी मम्मी जो है उसको टोक रही है, पॉइंटेड आउट कर रही है फॉर हर मिस्टेक्स, और कौन सी गलतियों के लिए कर रही है, डोंट बाइट योर नेल्स, दांतों को जो है बाइट मत करो, अपने शोल्डर्स को मत बेंड करो, आराम से मत बैठो, सिट स्ट्रेट। तो उस समय वो मम्मी की बातें नहीं सुनती अपनी मदर की, बट कहाँ चली जाती हैं, अपनी ही दुनिया में चली जाती हैं, और क्या सोचती है कि एक बहुत बड़ा जो है क्या है, एमेरॉल्ड मीन्स ग्रीन कलर, यहाँ पे जिस तरह से अभी बताया है कि कलर ग्रीन कलर का सी है, पानी जो है कैसा दिखता है बच्चों, ग्रीन कलर का क्यों दिखता है, रिफ्लेक्शन के वजह से। तो लैंग्वेज मीन्स आराम से वहां पे रिलैक्स करेगी, वेयर द सोल, सोल माने सिंगल वन, एक खाली वही जो है रेसिडेंट होगी, किसमें, सी में। और यहाँ पे कंपेयर किससे करा है उन्होंने, कि क्या बनना चाहते हैं, कि एक मरमेट, मरमेट किसको बोलते हैं बच्चों, जिसका अपर पार्ट कैसा होता है, ह्यूमन का होता है, बट नीचे का पार्ट किसका होता है, फिश का। जैसे जलपरी देखी है आपने, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, ये वुमेन है, क्लियर, फीमेल का पार्ट है, और ये किसका पार्ट है, फिश का, इसको क्या बोलते हैं, मर्मेड। तो यहाँ पे अमंडा क्या अपनी दुनिया में चली जाती है, वर्ल्ड ऑफ अमंडा, और वहां पे क्या सोचती है कि एक बहुत बड़ा एमेरॉल्ड ग्रीन सी होगा, उसमें मैं रिलैक्स करूंगी, और सिंगल रेसिडेंट होंगी तो कोई मेरे को टोकेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या बोला है, इनहैबिटेंट इज मी, तो यहाँ पे मी किसके लिए यूज हुआ है बच्चों, अमंडा। अमंडा और मर्मेड जलपरी की तरह मैं क्या करूंगी, पानी में खुशी खुशी जो है उसकी लहरों के साथ क्या करूंगी, मूव करूंगी,
क्लियर। तो यहाँ पे अमंडा को जब टोकते हैं तो आपको भी लगता होगा ना कि मम्मी जो है बार बार ये पॉइंटेड आउट कर रही है मिस्टेक्स के लिए, बार बार बैठने नहीं दे रही है और तुरंत जो है एक के बाद जो है टोकती जा रही है, भाई सिट प्रॉपरली, डोंट हंच योर शोल्डर्स, डोंट पॉइंट योर नीज। तो आप थोड़ा सा इरिटेट होते हैं और आप अनसुना करके अपनी दुनिया में खो जाते हैं। तो सेम जो है अमंडा, द पोएट इज डिस्क्राइबिंग अमंडा, अ लिटिल गर्ल हु इज ऑलवेज पॉइंटेड आउट बाय हर मदर फॉर हर मिस्टेक्स। और क्यों पॉइंटेड आउट करती है? उनकी गलतियों के लिए करती है, ऐसे नहीं कि बिना बात के वो जो है आपको टोक रही है या पॉइंटेड आउट कर रही है। क्योंकि आप गलती कर रहे हैं इसीलिए वो जो है आपको क्या कर रही है, पॉइंटेड आउट कर रही है फॉर योर मिस्टेक। बट मे बी जैसे मैंने भी पहले भी बताया था कि हो सकता है उनका तरीका गलत होगा, एंड हाउ शी इमेजिन हर लाइफ टू बी, और कैसे वो सोचती है, इमेजिन करती है कि उनकी लाइफ होनी चाहिए। द पोएट सेज दैट द मदर इज पॉइंटिंग आउट अमंडा फॉर किस किस चीज के लिए कर रही है, बाइटिंग नेल्स। क्या बाइटिंग नेल्स बच्चों अच्छी आदत है? आपको क्या लगता है अच्छी आदत है? ऑब्वियसली सारे बच्चे बोलेंगे नो, इट इज अ बैड हैबिट। नेक्स्ट शी आस्क्स हर टू सिट स्ट्रेट विदाउट बेंडिंग योर शोल्डर, बेंडिंग हर शोल्डर, मतलब बिना झुकाए कंधों को सीधे बैठो। अमांडा हु हैज हैबिट ऑफ बेंडिंग हर शोल्डर एंड सिटिंग लेजिली इज बीइंग पॉइंटेड आउट बिकॉज हर मदर वॉन्ट्स हर टू सिट इन द राइट पोस्चर। ये नहीं है कि हम टेढ़े मेढ़े बैठे हैं, हमें राइट पोस्चर में बैठना है, ये उनकी मदर चाहती है। शी वॉन्ट्स हर अमांडा से चाहती है कि वो किस तरह से सिट इन द राइट पोस्चर। At this point of time, when he is being scolded by her mother, और same time पे जब उसकी mother जो है उसको scold कर रही है या pointed out कर रही है for her mistakes, she imagines, तो वो क्या सोचती है, herself to be in a deep green sea, और उस समय उसके mind में आता है कि मैं एक बहुत जो है deep green sea में relax करूंगी। She imagines herself like a mermaid, और किस क्या क्या बनना चाहती है, वो मरमेड बनना चाहती है। हु इज अलोन देयर एंड लीड्स हर लाइफ, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, सोल इनहैबिटेंट बी सिंगल, कि एक ही रहेगी वहां पे मरमेड, हु इज अलोन देयर एंड लीड्स हर लाइफ इन अ रिलैक्सिंग वे, और आराम से रहेगी, कोई टोकेगा नहीं क्योंकि सिंगल रहेगी इनहैबिटेंट, तो ऑब्वियसली कोई उसको पॉइंटेड आउट नहीं करेगा उसकी मिस्टेक्स के लिए। तो यहाँ पे वो क्या बनना चाहती है, मरमेड बनना चाहती है और एंजॉय करना चाहती है हर लाइफ इन अ वेरी रिलैक्सिंग वे। शी सेज दैट, फर्दर क्या बोलती है वो, शी सेज दैट शी वॉन्ट्स टू बी कैरीड अवे बाय द करेंट ऑफ वाटर एंड फील द रिलैक्सिंग एनवायरमेंट देयर, और वहां पे जो है मस्ती करेंगी, वो रिलैक्स करेंगी, और जब करंट्स जो है वाटर की जो लहरें चलेंगी उनके साथ वो किस तरह से मूव करेगी हैप्पीली एंड फील द रिलैक्सिंग एनवायरमेंट देयर। और बिल्कुल जो है, क्योंकि मदर जो है उसको टोकती रहती है, वो उसे अच्छा नहीं लगता, तो वो अपनी दुनिया में चली जाती है और क्या सोचती है वो, कि वो शी इमेजिन हरसेल्फ लाइक अ मरमेड हु इज अलोन इन द वास्ट ग्रीन सी। क्लियर। और वहां पे वो क्या करना चाहती है, फर्दर क्या बोलती है वो, शी वॉन्ट्स टू बी कैरीड अवे टू बाय द करेंट ऑफ वॉटर एंड फील द रिलैक्सिंग एनवायरमेंट देयर। क्लियर। तो बच्चों ये क्वेश्चन आ सकता है और पैरे पे बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो कब वो मरमेड बनना चाहती थी, जब उसकी मदर किसके लिए टोक रही थी, डोंट बाइट योर नेल्स, डोंट हंच योर शोल्डर्स एंड स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट स्ट्रेट। क्लियर। इन द नेक्स्ट स्टैंडर, डिड यू फिनिश योर होमवर्क, फर्दर जो है फिर से जो है कंटिन्यूअसली वो उसको पॉइंटेड आउट कर रही है उनकी मदर। तो पहले किसके लिए पॉइंटेड आउट कर रही थी, डोंट बाइट योर नेल्स, डोंट हंच योर शोल्डर्स, सिट स्ट्रेट, और वो कहां चली जाती है, अपनी दुनिया में चल जाती है, वर्ल्ड ऑफ अमंडा, और वहां पे वो वास्ट ग्रीन सी में जो है अकेले रिलैक्स होके वाटर की करंट्स के साथ जो है वो एंजॉय करना चाहती है। क्लियर। बट इन द फर्दर स्टैंजा,
उनकी मदर क्या स्टोर करती है, किसके लिए स्टोर करती है उन्हें, या पॉइंटेड आउट करती है, डिड यू फिनिश योर वर्क। ये मे भी आप लोगों के साथ भी होता होगा कि घर पहुंचते ही है मम्मी कहती होंगी खाना खा के कि अपना होमवर्क करने बैठ जाओ, तो पूछती है ना आपके मदर भी, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमंडा, डिड यू टाइडी योर रूम, क्या तुमने अपना रूम जो है साफ कर लिया है या ठीक से रखा है अमंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमंडा आई एम। अब यहाँ पे फिर से वो अपने कहाँ चली जाती हैं, वर्ल्ड ऑफ अमंडा, पता जो है किस तरह से उसकी मदर जो है उसको स्पोल्ड करती है, पॉइंटेड आउट करती है अमंडा को, तो क्या बोलती है वो, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमंडा, क्या तुमने अपना होमवर्क खत्म कर लिया है, डिड यू टाइडी योर रूम, क्या तुमने अपना रूम जो है क्लीन कर लिया है या प्रॉपरली सामान रखा है। कई बार होता है ना बच्चे स्कूल से आते हैं जूते फेंक देते हैं, सॉक्स फेंक देते हैं, बैग एक तरफ फेंकते हैं, करते हो बच्चों, कितने बच्चे आप में से ऐसा करते, तो अगर करते हैं तो इट इज अ वेरी बैड हैबिट राइट। कोई आपके रूम में आएगा और सारा सामान स्कैटर्ड रहेगा तो बच्चों अच्छा लगता है, नहीं लगता है ना। तो आज से यहाँ पे आपको मैसेज भी जा रहे हैं कि क्या जो जिन बातों के लिए उनकी मदर उनको स्कोल्ड कर रही है या पॉइंटेड आउट कर रही है, तो मे बी आपके अंदर अगर ऐसी कोई हैबिट है तो आप उसको जो है आज से ही छोड़ दें। क्लियर बच्चों, मे बी आपके मदर का या पेरेंट्स का तरीका गलत हो बट आप उसको समझने की कोशिश करें। तो इस पोम के थ्रू जो है यहाँ पे बताना चाहती हैं पोएट की पोएटस कि किस तरह से अगर आपने होमवर्क नहीं किया है तो सबसे पहली ड्यूटी यही करनी चाहिए आपको काम कि अपना रिलैक्स होके होमवर्क करना चाहिए, अपने रूम को क्लीन करना चाहिए, टाइडी करना चाहिए। आई थॉट अब यहाँ पे मदर क्या कहती है क्योंकि उनके एक्सपेक्टेशंस बहुत होती है अपने बच्चों से। अब वो ये नहीं सोचती कि छोटा सा बच्चा है एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर सकता है या नहीं कर सकता, बट उनकी एक्सपेक्टेशन है। तो वो फादर क्या कहती है, फादर शी सेड आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, तो फिर क्या कहती है वो कि मैंने तुम्हें आई थॉट आई टोल्ड यू कि मैंने तुम्हें क्या बोला था, क्लीन योर शूज, अपने जूतों को साफ करो अमंडा। तो तीन चीजें उन्होंने यहाँ पे फिर से बोल दी हैं कंटिन्यूअसली कि डिड यू फिनिश योर वर्क, क्या तुमने अपना फिनिश करा। तो इससे क्या लगता है कि एक कमांड सी लग गई, एक ऑर्डर सा लग रहा है। डिड यू टाइडी योर रूम अमंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमंडा। अब ये सारी बातें जब चल रही थी, स्पोर्ट कर रही थी उसकी मदर या पॉइंटेड आउट करी थी फॉर हर मिस्टेक, तो अगेन जो है वो अपने वर्ल्ड में चली जाती है और उन्हें लगता है कि अगर मैं ऑर्फन होती, ऑर्फन किसको बोलते हैं बच्चों, अनाथ बच्चा है जिसके पेरेंट्स नहीं हो, क्लियर। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, और मैं कहाँ घूम रही हूँ, रोमिंग में घूमना, स्ट्रीट में सड़क में, पैटर्न्स ऑफ डस्ट विद माय हस्ट बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट। तो ऑर्फन का मतलब क्या होता है, चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, अनाथ। हर्स्ट मीन्स क्वाइट एंड स्टिल प्लेस। अब यहाँ पे जैसे उसकी मदर ने उसको पूछना शुरू कर दिया क्वेश्चन कि डिड यू फिनिश योर वर्क, डिड यू टाइडी योर रूम, डिड यू क्लीन योर शूज, तो फिर से वो अपने वर्ल्ड में चली जाती है और क्या सोचती है कि अगर मैं ऑर्फन होती, अगर मेरे जो है पेरेंट्स नहीं होते, क्लियर, तो मैं क्या करती, सड़क में घूमती। आपने देखा होगा कई बच्चे बेचारे घूमते रहते हैं, उनको पता है कि उनके पेरेंट्स की वैल्यू क्या है, कितना आपके पेरेंट्स आपकी केयर करते हैं। तो यहाँ पे ये बच्ची है डर से या मम्मी जो है टोक रही है इससे ये अपनी दुनिया में जो है सोचती रहती है और केयर नहीं करती कि मम्मी क्या कह रही है। तो वो कहती है कि इफ अगर मैं क्या हूं, एक ऑर्फन हूं, तो कहाँ घूमूंगी, रोमिंग द स्ट्रीट आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट। और होता है ना बच्चों कई बार आप जब सॉफ्ट मिट्टी में चलते हैं तो क्या बनते हैं, आपके पैरों के निशान बनते हैं, क्लियर। तो वो यही कह रही है यहाँ पे कि आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ट, हर्स्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, क्वाइट एंड स्टिल प्लेस, मैं क्या करूंगी, बेयर फीट, नंगे पैरों से वहां पे पैटर्न बनाऊंगी, इंप्रेशन बनाऊंगी। यहाँ पे फर्दर क्या बोल रही है, द साइलेंस इज गोल्डन, साइलेंस क्या होता है, गोल्डन होता है, और फ्रीडम और भी अच्छी होती है, स्वीट होती है। क्यों लग रहा है उसे यहाँ पे कोई टोकने वाला नहीं मिलेगा, कोई जो है उसको स्कोल्ड नहीं करेगा, और जो मर्जी आएगी वो यहाँ पे काम करेगी।
तो उसे लगता है कि मैं अगर ऑर्फन होती, अनाथ होती, तो मैं इस तरह से सड़क में घूमती और डिफरेंट पैटर्न्स बनाती अपने बेयर फीट से, इसमें सॉफ्ट डस्ट में। क्लियर? हियर द पोएट सेज दैट अमंडास मदर इज इंक्वायरिंग हर अबाउट। अब यहाँ पे वो फिर से जो है इंक्वायरिंग कर रही है, उससे पूछ रही है कि क्या तुमने अपना होमवर्क करा है, वेदर शी हैज डन हर होमवर्क और नॉट। एंड देन शी आस्क्स, फिर वो पूछती है, एंड देन शी आस्क्स, हर मदर आस्क्स फॉर वेदर शी हैज क्लीन हर रूम और नॉट। पहले उन्होंने किसकी इंक्वायरी करी कि वेदर शी हैज डन हर होमवर्क और नॉट। सेकेंड टाइम उन्होंने इंक्वायरी करी कि वेदर शी हैज क्लीन हर रूम और नॉट। मोर ओवर शी इज ऑल्सो रिमाइंडेड, और फिर से वो उसको रिमाइंड भी करती है कि मैंने तुम्हें बोला था कि टू क्लीन योर शूज, कि तुम्हें बोला था कि अपने शूज को क्लीन करो। सो हियर वी कैन सी द मदर इज कॉन्स्टेंटली आस्किंग हर क्वेश्चन। ये नहीं है रुकी नहीं है, वो कॉन्स्टेंटली जो है लगातार उनसे क्वेश्चन पूछ रही है अमंडा से, आस्किंग हर क्वेश्चन रिगार्डिंग अवर होमवर्क बींग डन और नॉट, और वेदर शी हैड क्लीनड अप हर रूम एंड शूज और नॉट। तो तीन चीजें उन्होंने तीन चीजों के लिए पूछा है, और कॉन्टिन्यूसली कॉन्स्टेंटली शी आस्क्स हर क्वेश्चन रिगार्डिंग होमवर्क, रिगार्डिंग क्लीनलीनेस, या रूम के बारे में पूछा है, या उसको रिमाइंड कराया है उसके शूज के लिए, हर रूम एंड शूज और नॉट। बट ऑन द अदर हैंड, अब दूसरी तरफ क्या है, अमंडा क्या ये सुन रही है, वो अपनी दुनिया में चली गई है। While Amanda is listening to her mother's instruction, she imagined herself to be an orphan who is roaming in the street. और कहाँ घूम रही है? स्टेज में। Without parents, she would have walked. अब क्या इमेजिन करिए कि मैं ऑर्फन होती, अनाथ होती, मेरे पेरेंट्स नहीं होते, तो मैं सड़क में घूमती रहती, रोमिंग करती रहती। This means that she imagined if she would have been without parents, she would have walked freely in the street. तो मेनली आपको क्या लगता है बच्चों, उसको क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए, या उसे जो है जो कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन पुट करती उससे इरिटेट हो रही है? तो यहाँ पे ऐसे ही लगता है कि उसे क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए। Would have walked freely in the streets. She would have drawn designs on the soft dust with her uncovered feet very quietly. तो आप में से कितने बच्चे हैं जो नंगे पैर जाते हैं और मिट्टी में अपने इम्प्रेशंस बनाते हैं, कई बार हाथ से बनाते हैं या कोई डिजाइन बनाते हैं, या बेयर फीट जो है उस पर रखते हैं कि अपने पैरों की टो का जो है किस तरह से इम्प्रेशंस पड़ता है, पैटर्न बनता है, उसको देखते हैं। तो कई बच्चे होंगे जो इस तरह की शैतानी करते होंगे, सड़क में घूमते होंगे। तो यहाँ पे वो भी जो है यही चाहते हैं कि मैं फ्रीली वॉक करूं स्ट्रीट में। शी वुड हैव ड्रॉन डिजाइंस ऑन द सॉफ्ट डस्ट विद हर अनकवर्ड या बेयर फीट वेरी क्वाइटली, सो वी कैन सी दैट शी थिंक्स अपोजिट टू हर मदर। तो यहाँ पे आपको लग रहा हो कि वो अपनी मदर से क्या है, अपोजिट सोच रही है। कैसे सोच रही है अपोजिट? लेट्स सी। हर मदर वॉन्ट्स हर टू, क्या चाहती है? कीप एवरीथिंग नीट एंड क्लीन। तो उसकी मम्मी क्या चाहती है कि सारी चीजें कैसी होनी चाहिए? नीट एंड क्लीन। तो इस दो लाइन में आपको पता चल रहा है कि वो सफाई के बारे में बात कर रही है। तो सारी चीजें कैसी होनी चाहिए? साफ होनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड वो क्या चाहती है? वो मिट्टी में खेले, मिट्टी में पैटर्न बनाए। तो अपने मदर के क्या जा रही है? वो अपोजिट जा रही है। तो हर मदर वॉन्ट्स हर टू कीप एवरीथिंग नीट एंड क्लीन, बट अमंडा वॉन्ट्स टू प्ले इन डस्ट विद द बेयर फीट। तो यहाँ पे दोनों जो है अपोजिट जा रही है अपनी मदर के। अमंडा वॉन्ट्स टू प्ले इन डस्ट विद हर बेयर फीट। क्लियर? कि एक तरफ जो है उसकी मदर उसको सफाई के लिए जो है टोक रही है, बट ऑन द अदर हैंड वो क्या सोच रही है, क्या इमेजिन कर रही है, या क्या चाहती है? व्हाट शी वांट्स, शी वांट्स टू प्ले इन डस्ट विद हर बेयर फीट। मोर ओवर शी इज सो फेड अप ऑफ दीज कॉन्स्टेंट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम हर मदर दैट शी सेज साइलेंस इज गोल्डन। क्योंकि वो इस तरीके से जो मदर लगातार उनको इंस्ट्रक्शन दे रही है या पॉइंटेड आउट कर रही है या इंक्वायरी कर रही है, तो इससे इतनी ज्यादा जो है इरिटेट हो गई है या फेड अप हो गई है कि वो उन्होंने क्या बोला है यहाँ पे कि साइलेंस इज गोल्डन, कि शांति क्या है,
गोल्डन है, विच मीन्स दैट साइलेंस इज वेरी क्रूशियल एंड प्रीशियस। शी फर्दर सेज दैट फ्रीडम इज स्वीट, और फ्रीडम को क्या बोला है उसने, स्वीट। दिस मीन्स दैट शी नेवर फील्स फ्री व्हेन शी इज विद हर मदर। तो उसे लगता है कि जब तक मैं अपनी मदर के साथ हूं तो मुझे फ्रीडम नहीं मिल सकती, क्योंकि उसकी मदर जो है उसको क्या कर रही है, कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्शन दे रही है या स्कोल्ड कर रही है या पॉइंटेड आउट कर रही है फॉर हर मिस्टेक्स, जो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और वो क्या चाहती है, फ्रीडम चाहती है। दैट इज व्हाई शी सेड फ्रीडम इज स्वीट। दिस मीन्स कि वो क्या फील करती है, अमंडा नेवर फील्स फ्री, और उन्हें लगता है कि वो कभी भी फ्री नहीं होंगी व्हेन शी इज विद हर मदर, कि अपने मदर के साथ होगी तो कभी भी वो नहीं कर सकती। तो वो उसको लाइफ किस तरह की चाहिए, इस तरह की चाहिए कि वो बेयर फीट से यहाँ पे पैटर्न बना सके। और ऑन द अदर हैंड उनकी मदर किसके लिए उनको स्पोर्ट कर रही है, क्लीनलीनेस के लिए बता रही है उनको, किस तरह से आपने जो है अपना रूम साफ कर दिया है, क्लीन कर दिया है, या अपने अपने शूज क्लीन कर दिए हैं। ऑन द अदर हैंड अपोजिट जा रही है वो, शी वॉन्ट्स टू प्ले इन डस्ट विद हर बेयर फीट। क्लियर? तो बच्चों ये बहुत इजी है कि किस तरह से, ये आपके साथ भी होता होगा कि आपके मदर टोक रही होंगे, कई बच्चे होंगे जिनको अच्छा नहीं लगता होगा कि कॉन्स्टेंटली उनकी मदर जो है उनकी इंक्वायरी कर रही है, होमवर्क किया है नहीं, रूम साफ किया है या नहीं, या उनकी बैड हैबिट के लिए उनको जो है कॉन्स्टेंटली लगातार जो है टोक रही है, ये डोंट बाइट योर नेल्स, या कोई भी जो है, अगर आपको ऐसी कोई आदत लगती है कि आपकी मदर आपको टोक रही है और आपको अच्छी नहीं लगती है, तो आप लोग यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। क्लियर? तो दो स्टेंज हमने पढ़े, एक हमने पढ़ा कि वो मरमेड बनना चाहती हैं जब उनकी मदर उनको टोकती हैं, दूसरी बारी जब वो इंक्वायरी करती हैं और क्लीनलीनेस के लिए जो है उनको टोकती हैं, इंस्ट्रक्शंस देती हैं, तो एट द सेम टाइम वो क्या सोचती हैं कि अगर वो ऑर्फिन होती तो किस तरह से वो डस्ट में पैटर्न बनाती। क्लियर? इन द नेक्स्ट स्टेंज अब फर्दर क्या बोलती है उनकी मदर, डोंट ईट दैट चॉकलेट। अब अमंडा को बोलती है कि भाई तुम चॉकलेट मत खाओ। आप लोगों को भी बोलते हैं ना बच्चों बहुत ज्यादा चॉकलेट खाते हैं, तो मदर बोलती है ना डोंट ईट चॉकलेट अमंडा, रिमेम्बर योर एक ने अमंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमंडा। तो यहाँ पे उनकी मदर फिर से उनको इंस्ट्रक्शन दे रही है कि भाई ज्यादा चॉकलेट्स मत खाओ, मीठा ज्यादा खाने से क्या होते हैं एक ने फेस में जो है दाने हो जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं, और मे बी उसके इंप्रेशन पड़ जाए, इसीलिए उनकी मदर कह रही है डोंट ईट चॉकलेट। और सारी लड़कियों को चाहती है ना कि हमारा फेस कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, तो उनकी मदर जो है उनको क्या बोल रही है, चॉकलेट खाने के लिए मना कर रही है कि डोंट ईट दैट चॉकलेट, आप जो है चॉकलेट ना खाए। दिस अलाउइंग हर टू ईट चॉकलेट शी रिमाइंड्स हर ऑफ पिंपल्स, कि फेस में जो है पिंपल्स आ जाएंगे, एक्ने आ जाएंगे अमंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। कई बार होता है ना बच्चे क्या करते हैं, अपने मस्ती करते हैं क्योंकि इनोसेंट होते हैं, ध्यान नहीं दे रहे कि उनकी मदर क्या बोल रही है, होता है ना बच्चों, आप लोग भी दूसरी बातें करते हैं तो ऑब्वियसली पेरेंट्स को गुस्सा आता है। तो यहाँ पे भी अमंडा की जो मदर है वो उनको बोल रही है कि क्या बोल रही है बच्चों, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं आपसे बोल रही हूँ तो आप क्या मेरी तरफ देखेंगे कि सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, व्हाई आई एम स्पीकिंग टू यू। कौन बोल रहा है ये, अमंडा की मदर अमंडा से बोल रही है, क्योंकि वो ध्यान नहीं दे रही है जब उसकी मदर बोल रही है। क्लियर? तो यहाँ पे फिर से वो कहाँ चली जाती है, अपनी दुनिया में चली जाती है, वर्ल्ड ऑफ अमंडा। अब वो क्या चाहते हैं कि आई एम रुपेंजल। रुपेंजल क्या होता है, रुपेंजल, रुपेंजल एक करेक्टरिस्टिक से फेरी टेल, आपने पढ़ा होगा फेरी टेल की, एक राजकुमारी जो है टार है उसको कैद कर देते हैं और उसके जो लंबे बाल नीचे रहते हैं और उसके हंसे वो ऊपर चढ़ता है प्रिंस। तो यहाँ पे रुपेंजल क्या लिया है, एक करेक्टर है, किसका करेक्टर है, फेरी टेल का। क्लियर? तो यहाँ पे वो कह रही है क्या बनना चाहते हैं कि अगर मैं क्या होती, आई एम रुपेंजल, I have not a care life in a tower is tranquil. तो यहाँ पे tranquil क्या होता है बच्चों, calm and quiet. Rapunzel क्या है बच्चों, a girl in the fairy tale
बाय ब्रदर्स ग्रिम, एक फेरी टेल का करेक्टर है रैपंजल, क्लियर। तो यहाँ पे वो बोल रही हैं कि एंड रियर, रियर मीन अनकॉमन, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माय हेयर, ब्राइट हेयर, और मैं जो है अपने बालों को नीचे नहीं छोड़ूंगी। तो इसको बच्चों टुमारो वी विल कंटिन्यू, जैसे जो हमने दो स्टैंजा करे हैं उनको घर में रिवाइज करें, और आपको अच्छा भी लग रही होगी पोएम, क्योंकि आपके बीच के आपके जो बैड हैबिट्स हुए हैं, किस तरह से मदर जो है आपको सुधारने की कोशिश करती हैं, क्योंकि सोसाइटी में हम रह रहे हैं उनके को कुछ जो है नॉर्म्स होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, इसलिए वो लड़कियों को जो है मोस्टली ज्यादातर जो है लड़कियों को टोकते रहते हैं, डोंट बाइट सच प्रॉपरली। तो इस तरह से अगर आपको भी टोकते हैं तो आप बुरा ना माने, हो सकता है पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि हमारा जो वे ऑफ टॉकिंग है, ये समझाने का तरीका है, वो कैसा होना चाहिए कि बच्चे इरिटेट ना हो या वो अपनी दुनिया में ना जाए। क्लियर बच्चों? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।